वेलकम बैक स्टडी विद कलीम। दोस्तों आपका स्टडी विद कलीम में स्वागत है। यह है यूपी स्पेशल का पार्ट थर्ड, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का जो भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले देख लीजिए, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था द्वारा कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था के द्वारा जिसे कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की गई है वह है काशी वन्य जीव प्रभाग। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। काशी वन्य जीव प्रभाग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था द्वारा कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की गई है। इसके तहत काशी वन्य जीव प्रभाग को एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होगी। कार्बन क्रेडिट कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को किसान पाठशाला का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जो किसान पाठशाला उद्घाटन किया गया है वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान पाठशाला का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन 5 दिसंबर 2017 को किया गया है। जो पॉइंट मैं बताता हूँ उसे आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत किसानों को हाई टेक खेती करना सिखाया जाएगा। इस पाठशाला में किसानों को कृषि के अलावा औद्योगिक मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन आदि की भी जानकारी दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने बिना इजाज़त लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश ने बिना इजाज़त लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने बिना इजाज़त लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। अनुमति लेने की अंतिम तारीख है 15 जनवरी थी। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर भी बिना इजाज़त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी कि जो भी 15 जनवरी तक अनुमति ले लिए हैं वो तो बजा सकते हैं, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो। अगर नहीं लिए हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आदेश जारी किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश, जो कि निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आदेश जारी किया है। इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अप्रैल 2018 को निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूल के खिलाफ आदेश जारी किया है। इस नियमावली के दायरे में ऐसे विद्यालय आएंगे जिनकी फीस 20,000 से अधिक है। इसके तहत हर वर्ष अधिकतम 7 से 8% फीस वृद्धि ही हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है, वो डेट के डेट बताना है। तो वह डेट है 22 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मई 2018 को मदरसा शिक्षा में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 3 दिनी तालीम के साथ साथ NCERT पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा स्तर को बेहतर करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक बैन का आदेश जारी किया गया है, वो डेट बताना है आपको। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 25 जून 2018, 28 जून 2018, 15 जुलाई 2018, 18 जुलाई 2018। दोस्तों आप एक से दो बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो
15 जुलाई 2018 को प्लास्टिक पे बैन कर दिया गया है। अब देख सकते हैं बॉटल प्लास्टिक और जो ये प्लेट वगैरह प्लेट गिलास आते हैं उस पर पूरी तरीके से बैन हो गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई 2018 को के बाद से प्लास्टिक बैन कर दिया है। इसके तहत प्लास्टिक के कप ग्लास और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है। देश के प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देश के प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल की स्थापना गाजीपुर में की गई है। कुछ इस प्रकार होगा। भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो चार ऑप्शन है इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। तो जो भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है वह मथुरा में की जा रही है। भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना मथुरा में की जा रही है। इसकी स्थापना की मंजूरी प्रदेश सरकार के द्वारा 18 दिसंबर 2017 को दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की एक रक्षा कंपनी एस कुमार उद्योग लिमिटेड स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो जो भारत की एक रक्षा कंपनी एम कुमार उद्योग लिमिटेड है वह कानपुर में स्थित है, कुमार उद्योग। इसके बारे में जान लेते हैं। एम कुमार उद्योग लिमिटेड कानपुर में स्थित है जो रक्षा उपकरण बनाती है। 2017 से ये भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ हेलमेट की आपूर्ति कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा प्रकाश है तो विकास है? आप इसे एकदम जरूर से याद रखिएगा, प्रकाश है तो विकास है नामक योजना शुरू की गई है। तो प्रकाश है तो विकास है वह उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाश है तो विकास है नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर आरंभ की गई। इसके तहत निर्धन परिवारों को बिजली वितरण किया जाएगा। इस योजना के आरंभ मथुरा के दो गांवों लोबान और गौशाला से किया गया है। इस योजना के तहत इन दोनों गांवों को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो हाल ही में देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है तो वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है। ये गाजियाबाद में स्थित है। यह उद्घाटन 30 मार्च 2018 को किया गया है। ये 6 लाइन की सड़क है। इसकी लंबाई 10.30 किलोमीटर है। इस रोड पर बस एवं ट्रक जैसे भारी वाहन नहीं चलेंगे। एलिवेटेड रोड तकनीकी रूप से एक पुल की तरह होता है जिसका निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है जहां भूमि का अधिग्रहण मुश्किल हो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर चार ऑप्शन है, कानपुर, इटावा, गाजीपुर, इलाहाबाद। तो जो उत्तर प्रदेश के शहर है उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है तो वह गाजीपुर में की गई है। तो दोस्तों ये और आगे देख लीजिए, गाजीपुर में उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 23 जुलाई 2018 को की गई। इसका उद्देश्य रेल कर्मचारियों की विशेष योग्यता और क्षमता को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों मेरा यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। साथ में आपने अभी तक जो भी नए व्यूअर है अभी तक मेरा चैनल या स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए बाय।